हेलो सत श्री अकाल जी, नमस्ते आदाब, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर हरपाल सिंह बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आई है। माय अपोलॉजीज, लास्ट वन मंथ से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, आई वाज बिजी, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। नाउ फ्रॉम नाउ ऑन वीडियोज विल बी कमिंग ऑन टाइम। ओके चलो जी, आज बात करेंगे जी हम US वीज़ा जो फैमिली पटिशन्स हैं, F1, F2A, 2B, F3, F4, K1, यू नो आईआर वन, सी आर वन, इनकी हम बात करेंगे। इस कैटेगरी में जो प्रोसेसिंग टाइम क्या है, एवरेज क्या प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है, पर्टिकुलरली मई मंथ की बात करूँगा मैं, एंड कौन कौन से सेंटर्स जो हैं प्रोसेस करते हैं, फास्ट है या स्लो है, ठीक है जी। सो टुडे विल टॉक अबाउट दिस, जस्ट टू गिव यू आइडिया कि आपका केस कितना टाइम लेगा। एंड बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, एज आई यूजली से कि जिसने कोई भी हेल्प लेनी है इमिग्रेशन में, डू रीचेस ऑन गिवन नंबर्स, विल बी डूइंग वट यू वॉन्ट टू गेट अस डन, ठीक है जी। और दूसरा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू नो सच वीडियोज कैन बी शेयर विद अदर्स ऑल्सो। चलो जी, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो एज आई सेड, टूडे विल टॉक अबाउट फैमिली पटिशंस, F1, F2, F3, F4, IR1, CR1, मतलब नॉर्मली जो I-130 पटिशन फाइल होती हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनका एवरेज प्रोसेसिंग टाइम क्या चल रहा है, ठीक है जी। क्योंकि हर कोई यही वेट करता है कि पता नहीं मेरा कब आएगा, और आपको पता है आई हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय यूट्यूब चैनल वीडियोस कि सर मेरी ये PD है, मेरा ये DQ है, डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड कब आएगा। सो ये आपको मैं एवरेज बताना चाहूँगा आज, हर कैटेगरी का कि एवरेज टाइम क्या चल रहा है एज ऑफ May 2024, ठीक है जी। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज F1 कैटेगरी। F1 जो है अनमेरिड सन एंड डॉटर ऑफ US सिटीजन, 21 ईयर्स एंड ओल्डर, ठीक है जी। अब इसकी अगर बात करूँ, ये दिस इज नोन फॉर इट्स लेंथी प्रोसेस, थोड़ा सा कैटेगरी के हिसाब से लेंथी इसका प्रोसेस होता है। अब May 2024 तक जो इसका एज ऑफ नाउ प्रोसेसिंग टाइम है, दैट इज 52 to 56 मंथ्स, जी हाँ, जिसे हम कह सकते हैं 4.2 ईयर्स है। एंड ये जो लेंथी प्रोसेस है, इट शोज दैट देयर इज अ बैकलॉग एंड हाई डिमांड फॉर दिस कैटेगरी, ठीक है जी। तो अब अगर उसके बाद बात करता हूँ मैं F2A कैटेगरी की, दैट इज फॉर स्पाउस एंड माइनर चिल्ड्रन ऑफ अ परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है जी। अब इसका जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है, दैट इज 39 मंथ्स, जी हाँ, अगर साल की बात करूँ इट वुड बी अराउंड 3.25 ईयर्स। एंड देन अभी अगर मैं एवरेज कैटेगरीज सारियों की मैं अगर तुलना करूँ, कंपेयर करूँ, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वन, इसमें सबसे कम टाइम लग रहा है, ठीक है जी, एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट कैटेगरी F2B, दिस इज अनमेरिड सन एंड डॉटर ऑफ अ परमानेंट रेजिडेंट विच इज़ 21 ईयर्स और ओल्डर, ठीक है जी। ये जो कैटेगरी है ये थोड़ा ज़्यादा यू नो प्रोसेस वेट टाइम जो है एक्सपीरियंस कर रही है। अगर इसकी एवरेज प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ मैं, दैट इज़ 87 मंथ्स, जी हाँ, दैट इज़ अराउंड 7.3 ईयर, 7.75 साल इसको लग रहे हैं, ये एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है जी। अगर इसके बाद दूसरी कैटेगरी की बात करूँ, F3 कैटेगरी, दैट इज़ मैरिड सन एंड डॉटर ऑफ अ US सिटीजन। अब इस कैटेगरी में क्या है कि इसमें जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है, दैट इज़ 48 to 60 मंथ्स, मतलब कि 4 से 5 साल आपको इजीली लग रहे हैं, ठीक है जी। ये जो हाई डिमांड के चलते हुए टाइम जो है बढ़ जाता है, तो कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके कोटा कम होता है, क्योंकि हर इस कैटेगरी में कोटा है, कोटे के अकॉर्डिंग चलते हैं, कुछ में नहीं भी है बट कुछ में कोटा होता है, तो वो कोटा भी डिले करता है, बट इन कैटेगरीज में तो हाई डिमांड है, ठीक है, तो इसलिए टाइम प्रोसेसिंग ज़्यादा है। उसके बाद बात करता हूँ जी F4 कैटेगरी, वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होती है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेट टाइम है। अगर इसकी बात करूँ मैं, इसका बताता हूँ मैं है क्या, दिस इज़ ब्रदर एंड सिस्टर फॉर US सिटीजन, ठीक है, ये वो कैटेगरी F4। अब इसमें जो टाइम है सबसे ज़्यादा लार्जर प्रोसेसिंग टाइम है जी, इसका एवरेज जो प्रोसेसिंग टाइम है वो है 202 मंथ्स, जी हाँ, 202 महीने, एवरेज 16.8 ईयर्स इस महीने के अकॉर्डिंग जो डेटा है, ठीक है जी। और वी ऑल नो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट प्रोसेसिंग कैटेगरी। अब एक्चुअली आपको पता है कि जितनी भी ये प्रोसेसिंग है ये डिपेंड करती है किस कैटेगरी में है और कौन सी कंट्री से आपने अप्लाई किया है।
तो क्योंकि अब उसके कोटे में कंट्री में कितनी फाइलें हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। और ये भी डिपेंड करता है कि अगर कभी USCIS या और कोई पॉलिसी चेंज आता है तो उससे प्रोसेसिंग फास्ट भी हो जाती है, तो टाइम कम भी हो जाता है। सो एज ऑफ नाउ ये टाइम है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट अदर कैटेगरी जो कि इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी है, जिसको कोन वीज़ास कहते हैं, K1 फियांसे वीज़ा। अब इस वीज़े की बात करूँ, ये वीज़ा जी अलाउ करता है अपने फियांसेज को, आप US बुला सकते हैं, देन यू कैन गेट मैरिड टू देम। सो दिस वीज़ा इज़ फॉर देम। अब इसकी प्रोसेसिंग की बात करूँ एवरेज टाइम की, दैट इज़ 13 मंथ्स। जी हाँ, ऑलमोस्ट 1 साल, 1 महीना कह सकते हो, 1 साल कह सकते हो, इसका प्रोसेसिंग टाइम है ये। तो ये तो था जी अलग अलग कैटेगरीज का प्रोसेसिंग टाइम जो चल रहा है एज ऑफ मई 2024। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला था आपको बताऊँगा सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। अब आपको पता है 5 सेंटर हैं जहाँ ये फाइलें प्रोसेस होती हैं, कैलिफोर्निया, नेब्रास्का, न्यूयॉर्क में होती हैं, सॉरी अल्बनी में होती हैं। मतलब ये जो 5 अलग अलग सेंटर्स हैं ना, हम उनके बारे में बात करेंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा कौन फास्ट प्रोसेस करता है और कौन सबसे स्लो करता है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द स्लोएस्ट सर्विस सेंटर, एंड दैट इज़ कैलिफोर्निया। अब इस कैलिफोर्निया सर्विस सेंटर में एवरेज एक कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम जो चल रहा है, दैट इज 69.5 मंथ्स एवरेज, मतलब चल रहा है इसमें कैलिफोर्निया में, ये सबसे स्लो प्रोसेसिंग चलती है, ठीक है। एंड ऑन अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट द फास्टेस्ट प्रोसेसिंग सेंटर, वो है जी नेब्रास्का। नेब्रास्का में जो एवरेज प्रोसेसिंग जो चल रहा है, मिनिमम प्रोसेसिंग टाइम जो है वो है 32 मंथ्स का, 32.8 समथिंग मंथ्स का एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है। तो मतलब कि इवन आपकी कंट्री, आपकी कैटेगरी एंड अबव दैट द थर्ड थिंग इज प्रोसेसिंग सेंटर, ये 3 चीज़ें मैटर करती हैं जी, आपकी फाइल प्रोसेसिंग कितनी फास्ट होगी और कब आपका रिजल्ट आएगा। सो मेरी सजेशन है आप लोगों को, बिफोर अप्लाइंग फॉर अ पिटिशन, चेकआउट कौन सी सेंटर्स में आप अप्लाई करें जिसमें आपकी फाइल जल्दी प्रोसेस हो सके, ठीक है जी। सो दिस इज़ वॉट आई हैव फॉर यू गैस टूडे, होप यू गैस लाइक दिस वीडियो। इफ़ येस, डू यू नो लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो, ताकि बाकी लोगों के भी ये वीडियो काम आ सके। एंड डू सपोर्ट अस विद योर थैंक्स, थैंक यू।